नमस्कार, जनता के लिए जनता की आवाज जनता समाचार में आपका स्वागत है। आइए चलते हैं खबरों की ओर। जबलपुर में 3 शातिर चोर गिरफ्तार, आरोपियों की निशानदेही पर 5 दोपहिया वाहन जब्त, 15 से 20 हजार रुपए में बेच देते थे आरोपी। जबलपुर के गोहलपुर पुलिस ने 3 शातिर चोरों को शुक्रवार 23 अक्टूबर को दबोचा। 3 आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस ने 5 बाइक जब्त की है। आरोपी 15 से 20 हजार रुपए में बाइक बेचने के लिए ग्राहक ढूंढ रहे थे। आरोपियों के पुराने रिकॉर्ड भी खंगाले जा रहे हैं। गोहलपुर TI अरविंद चौबे के मुताबिक 23 अक्टूबर की रात में मुखबिर से सूचना मिली थी कि कुछ युवक नई बाइक काफी सस्ते में बेचने की बात कर रहे थे। पुलिस ने गाजीनगर पानी की टंकी के पास दबिश देकर 3 आरोपियों को दबोच लिया। उनकी पहचान तिलगवा खमरिया हॉल निवासी, JDA अपार्टमेंट शताब्दीपुरम विजयनगर निवासी विकास ठाकुर, टिमरी मढ़ोताल निवासी मनीष रायजादा, शताब्दीपुरम विजयनगर निवासी रियाज खान के रूप में हुई। पूछताछ में तीनों के घर से 3 दोपहिया वाहन और जब्त किए गए हैं। जब्त वाहन की कीमत 3 लाख रुपए बताई जा रही है। आरोपी बाइक बेचकर मिले पैसे से महंगे मोबाइल, शराब, मुर्गा पार्टी और पहनावे पर खर्च करते थे। तीनों की गर्लफ्रेंड भी है, उनको भी महंगा गिफ्ट देते रहते थे। आरोपियों से पूछताछ जारी है। हम दिखाते रहे लगातार खबरें, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की बटन को दबाना न भूलें। आप देख रहे हैं जनता के लिए जनता की आवाज़ जनता समाचार। अन्य खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।